हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सम्स आते हैं इसमें से एग्जाम में। इससे पहले हमने जो किए थे वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया था और साथ में हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किए थे। आज ये थर्ड टाइप का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। इसमें क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव किस में होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कहने का मतलब ये है, ये इक्वेशन किस में लीनियर है? वाई में लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि यहाँ पर जो पी और क्यू है वो किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर वाई रिपीट नहीं हो रहा है तो ये y में लीनियर है। अगर यहाँ पर x में रिपीट ना, x का में वैल्यू जो होगी वो रिपीट नहीं हो रही होगी x का फंक्शन, तो x में लीनियर होगा। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको पहचानना है कि ये y में लीनियर है या x में लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर अगर dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू दिया है तो ये तो लीनियर इन y है, क्योंकि यहाँ पर p और q x के फंक्शन है। लेकिन अगर दिया है dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू, तो वो इक्वेशन किस में लीनियर होगी? x में लीनियर होगी, क्योंकि वहां पर p और q किसके फंक्शन होंगे? y के फंक्शन होंगे। इसके बाद हम इसका इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंट्रीगेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंट्रीगेशन ऑफ pdx। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंट्रीगेट करते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद इसका सॉल्यूशन होता है वाई इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ क्यू इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंट्रीगेट करते हैं प्लस सी, मतलब वाई इंट्रीगेटिंग फैक्टर, ये भी लिख सकते हैं ई टू द पावर इंट्रीगेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंट्रीगेशन ऑफ पी डी एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। इसी तरह से हम सेकेंड लेते हैं, जैसे ये किस में लीनियर है? वाई में लीनियर है। अगर आपकी इक्वेशन होती है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो ये किस में लीनियर है? ये लीनियर है एक्स में। क्यों लीनियर है? क्योंकि यहाँ पर जो x है वो आपका रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो p और q है, p एंड q, ये किसके फंक्शन है? x के, ये फंक्शन होंगे y के। तो यहाँ पर जो y तो रिपीट हो रहा है, मतलब p में भी y का फंक्शन आ रहा है और q में भी y का फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x आपका सिंगल है, इसमें ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में लीनियर है? ये x में लीनियर होगी। ठीक है, अब हम इस पर सम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉस एक्स डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब ये सम दिया हुआ है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है? तो यहां पर एक्स का जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है, ये कॉस एक्स आ रहा है और ये साइन एक्स आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो वाई है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये किस में लीनियर है? वाई में लीनियर है। और जब वाई में लीनियर होती है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हम इसमें जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, कॉस एक्स डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम कॉस ए डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस एक्स इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स। अब इसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस नेगेटिव साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम वन अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स। ये किस फॉर्म में आ गया? विच इज ऑफ द फॉर्म, ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू,
इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है हमको। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये किस पे लीनियर हो गया, लीनियर इन वाई, क्योंकि यह वाई रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स रिपीट हो रहा है, तो ये वाई में लीनियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई के साथ है सेक एक्स, एंड क्यू इज इक्वल टू है टेन एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हम, उसके बाद हम इसका इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंट्रीगेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंट्रीगेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितनी है यहां पर, सेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स डीएक्स। अब सेक एक्स का जो इंट्रीगेशन होता है वो क्या होता है, वो है e टू द पावर, सेक एक्स का इंट्रीगेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहां पर e से log कैंसिल हो जाएगा तो इंट्रीगेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, sec x प्लस टेन एक्स। ठीक, अब इंट्रीगेटिंग फैक्टर आ गया, इसके बाद हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ q इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर dx प्लस c। एक कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा जब इंट्रीगेट करेंगे, तो y इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर है आपका sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू q, कितना है q है हमारा टेन एक्स, इंट्रीगेटिंग फैक्टर कितना है sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स dx प्लस c, ये हो जाएगा टेन एक्स sec x मतलब इंट्रीगेशन ऑफ sec x tan x प्लस। अब यहां पर ये हो गया tan स्क्वायर x, तो sec x tan x का तो इंट्रीगेशन हम जानते हैं sec x होता है, लेकिन tan स्क्वायर x का इंट्रीगेशन हम नहीं जानते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस वन dx प्लस c, ये हो जाएगा हमारा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था y इंटू sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू sec x tan x का इंट्रीगेशन होता है sec x प्लस sec स्क्वायर x का होगा tan x माइनस वन का इंट्रीगेशन x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल टू, ये है सॉल्व वन प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। अब ये x पे लीनियर होगा या y में लीनियर होगा, तो यहां पर y का फंक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, वन प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, टेन इनवर्स y आ रहा है, लेकिन जो x है वो रिपीट नहीं हो रहा है, x यहां पर केवल सिंगल x दिया हुआ है, x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ये x पे लीनियर है, हम लिखेंगे x इज अलोन सो इट इज लीनियर इन x, x यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए किसमें लीनियर है, x में लीनियर है। जब x में लीनियर है तो हम किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, dx ओवर dy। जब y में लीनियर होता है तो dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म में लिखते हैं, जब x में लीनियर होगा तो क्या लिखेंगे हम, dx ओवर dy, यहां पर अपॉन में आ गया dy इज इक्वल टू, इसके अपॉन में आएगा टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर दिया, माइनस x अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर इसे dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ गया, dx अपॉन dy फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, मतलब यहां पर जो p और q हो गए वो किसके फंक्शन हो गए, y के फंक्शन हो गए, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q इस फॉर्म में आ गया। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर p इज इक्वल टू कितना है, वन अपॉन वन प्लस y स्क्वायर, एंड q इज इक्वल टू कितना है कंपेयर करने पर, टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर।
पी और क्यू की वैल्यू मिल गई हमको, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंट्रीगेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंट्रीगेशन ऑफ पी डी वाई। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंट्रीगेट करेंगे। पी क्या है आपका, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का इंट्रीगेशन होता है टेन इनवर्स वाई, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। ये क्या हो गया हमारा, इंट्रीगेटिंग फैक्टर हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है वाई, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर चेंज हो गया, जब डी वाई ओवर डी एक्स में होता है तो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आएगा। इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एक्स इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ क्यू इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब डी वाई प्लस सी। इंट्रीगेटिंग फैक्टर है हमारा ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्यू, कितना है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। इंट्रीगेटिंग फैक्टर कितना है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। इसको हम डायरेक्ट इंट्रीगेट कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे हम, तो किसको टी मान लेंगे हम, अगर हम टेन इनवर्स वाई को टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई की जगह टी, तो टी ई टू दी पावर टी इंटू डी टी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, ये तो एज इट इज इज इक्वल टू, ये हो गया टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी प्लस सी। ये वैल्यू रख दी हमने। अब यहां हम चेन रूल लगा सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। चेन रूल में क्या होता है, चेन रूल, चेन रूल में दो फंक्शन होते हैं, एक ऐसा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हम वो लेते हैं जो आगे चलकर जीरो हो जाता है, तो आगे चलकर ये जीरो हो सकता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वन, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे जीरो, और ई टू दी पावर टी आपका जीरो नहीं होगा, तो उसको हम इंट्रीगेट करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड इंट्रीगेट होगा मतलब वी वन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट। अब प्रीवियस फंक्शन टर्म्स देखनी है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट मतलब यू डैश, सेकेंड इंट्रीगेट होगा वी टू, फिर प्लस अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट यू डबल डैश, सेकेंड इंट्रीगेट वी थ्री, माइनस फिर फर्स्ट डिफरेंशिएट यू ट्रिपल डैश, सेकेंड इंट्रीगेट वी फोर एंड सो ऑन। ये हो गया एक्स ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब टी, सेकेंड फंक्शन इंट्रीगेट e टू दी पावर t का इंट्रीगेशन e टू दी पावर t, माइनस फिर फर्स्ट डिफरेंशिएट मतलब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा वन, सेकेंड इंट्रीगेट e टू दी पावर t, फिर प्लस अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट, फिर प्रीवियस टर्म है उसमें फर्स्ट को डिफरेंशिएट मतलब वन का डिफरेंशियल जीरो, ये हो जाएगा प्लस c, x e टू दी पावर टेन इनवर्स y, या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से भी कर सकते हैं ऐसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंट्रीगेट माइनस इंट्रीगेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकंड इंट्रीगेट, उससे भी कर सकते हैं। और चेन रूल से क्या क्या है, यहाँ पर अगर टी स्क्वायर होता है टी क्यूब होता है तो वो इजीली एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ई टू दी पावर टी कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर टी मतलब टी की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स वाई, टी इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, फिर टी, टी इज इक्वल टू मतलब टेन वाई, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहां से ये टर्म्स चला जाएगा, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्री, ये है हमारा एक्स इंटू एक्स माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन।
यहाँ पर ये जो सम दिया हुआ है ये x में लीनियर है इक्वेशन या y में लीनियर है, तो यहाँ पर जो y है वो रिपीट नहीं हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है इसमें? x के फंक्शन है, वो तो कई फंक्शन है इसमें, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये x का फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो ये x में लीनियर नहीं है, ये किस में लीनियर बनेगी? y में। y में लीनियर बनेगी मतलब हमें dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म लाना है। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा ये? क्योंकि यहाँ dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं x इंटू एक्स माइनस वन से, तो वन हो जाएगा उसका कोफिशियंट ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस x माइनस टू अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस वन अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म किससे कंपेयर करेंगे हम? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही फॉर्म दिख रहा है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एंड क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, मतलब ये पी हो गया वाई के साथ जो है वो पी है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो दिया है वो क्यू है, ये क्यू की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर इसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी होगी, तो हम लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन, इसको सॉल्व करना है। ठीक, इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसमें दो वैल्यूज निकलेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चेंज नहीं होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स। यहां पर अब क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर देखो एक्स माइनस जीरो, तो x इक्वल टू जीरो रखेंगे एक बार x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक बार x इक्वल टू जीरो, एक बार x माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू वन। तो पहले तो हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू, ये हो गया a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स। जब हम x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की, ये तो जीरो हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस टू माइनस टू, मतलब टू आ जाएगा। इसी तरह से एक बार हम एक्स इक्वल टू वन रखेंगे, वन रखने पर हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, वन माइनस वन जीरो, मतलब ये पूरा जीरो, और यहां वन रखेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन, मतलब बी इज इक्वल टू माइनस वन। इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन वन, जब फर्स्ट में रखेंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर, यहां पर देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है टू, ये हो गया टू अपॉन एक्स, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इस माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहां से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा टू लॉग एक्स, मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू, और वन अपॉन एक्स का हो गया लॉग एक्स। यहां से कितना आ जाएगा, e टू द पावर लॉग ऑफ x माइनस वन
माइनस एन लॉग एम, ये होता है लॉग एम टू द पावर एन। यहाँ लिख सकते हैं हम एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन। यहाँ से लॉग की एक प्रॉपर्टी और है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, मतलब लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हम लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम अपॉन एन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, ई से लॉग कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, वाई, क्योंकि जो इक्वेशन दी है इसको इस टाइप से लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है सॉल्यूशन हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्लस एक कॉन्स्टेंट ऐड हो जाता है। तो ये हो गया वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, क्यू इज इक्वल टू कितना था हमारा, वह दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने पी और क्यू लिखे थे वो वैल्यूज रखनी है, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन। अब ये हो गया टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो हम लिख सकते हैं टू माइनस वन अपॉन एक्स, टू एक्स अपॉन एक्स मतलब टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, टू का इंटीग्रेशन होगा टू एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सॉल्व, फोर्थ एग्जांपल है ये, y log y dx over dy plus x minus log y is equal to zero। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, dx over dy में या dy over dx में, मतलब ये x में लीनियर है या y में लीनियर। तो यहाँ पर x रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये x में लीनियर होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx ओवर dy मतलब dx अपॉन dy के फॉर्म में ही आएगा, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q फॉर्म में। तो यहाँ पर y log y से हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय y log y ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y log y इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये लॉग वाई हो जाएगा अपॉन में वाई लॉग वाई, लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल हो गया। तो हमारे फॉर्म किस में आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई, क्या बचा यहाँ से, वन अपॉन वाई लॉग वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म किससे कंपेयर करेंगे हम, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ गया ये, मतलब x रिपीट नहीं है तो x में लीनियर है, y रिपीट नहीं है तो y में लीनियर है, p और q यहाँ पर जब x में लीनियर है तो p और q किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे, यहाँ पर p भी y का फंक्शन है और q भी y का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीनियर इन x। अब इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना है, वन अपॉन y log y, एंड q इज इक्वल टू कितना होगा, वन अपॉन y। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ये आता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया, लॉग वाई इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है,
लॉग वाई इज इक्वल टू टी किया क्योंकि हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई लॉग वाई, मतलब वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी एंड लॉग वाई इज इक्वल टू टी, ये हो गया ई टू द पावर लॉग टी, और लॉग टी ई से लॉग कैंसिल हो गया, कितना आ गया टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ हमारा टी, टी की वैल्यू कितनी है लॉग वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी प्रीवियस सम में किया है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मतलब डी वाई प्लस सी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है लॉग वाई इज इक्वल टू क्यू, कितना है क्यू है हमारा वन अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा लॉग वाई डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर हम फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें अगर हम लॉग वाई को वी मान लेते हैं तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वी, कितना हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू हो गया डी वी, डी वी अपॉन डी वी इंटू वी मतलब वी इंटू डी वी, लॉग वाई इज इक्वल टू वी एंड वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वी, ये हो गया एक्स लॉग वाई। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, यहां से अगर हम वैल्यू रख दें तो एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वी, हमने किसको लिया है लॉग वाई को, ये हो गया लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमें एक्स में लीनियर है वाई में लीनियर है ये हम इजीली पहचान सकते हैं, इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स में रिपीट नहीं हो रहा है तो एक्स में लीनियर है, वाई रिपीट नहीं हो रहा है तो वाई में लीनियर है। तो ये हमारा यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या जिसको बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।